विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के समीप छोटी सी बच्ची की होमगार्ड के जवान द्वारा पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर जांच शुरू हो गई है। जांच टीम श्री नैना देवी पहुंची। इसके लिए विभाग ने बटालियन एडमिन ऑफिसर जगदीश ठाकुर को नियुक्त किया है। जगदीश ठाकुर अपनी टीम के साथ माता नैना देवी के दरबार पहुंचे और मंदिर क्षेत्र में जहां घटना घटित हुई है उसके आसपास दुकानदारों और स्थानीय लोगों पुजारी वर्ग के लोगों से बयान दर्ज किए। जगदीश ठाकुर का कहना है कि मंदिर न्यास ने पहले ही इस होमगार्ड के जवान को ड्यूटी से हटा दिया है। हालांकि जांच की जा रही है कि मामला क्यों हुआ और कैसे हुआ, व्यापक जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों के बयान भी कलमबद्ध किए जाएंगे और रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उनके साथ मंदिर होमगार्ड के इंचार्ज विवेंद्र गोल्डी भी मौजूद थे। मंडी जिला के रोहाड़ा नामक स्थान से करीब 6 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित कमरूनाथ का मंदिर बसा हुआ है और हर साल हजारों की संख्या में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्रद्धालु यहां आते जाते रहते हैं। वहीं पर विभिन्न जगह से आए सामाजिक सेवक भी अपनी आस्था को लेकर यहां पर भंडारे का आयोजन करते हैं। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उप तहसील के पनियाला कुठेड़ा से सामाजिक संस्था लगातार पिछले 8 सालों से पूरी संस्था के साथ कमरूनाथ में 4 दिन तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करती है, जिसके चलते संस्था कमरूनाथ के लिए पूरे जोश व हिम्मत के साथ रवाना हो गई। संस्था के प्रधान ने बताया कि हर साल हमारी संस्था के साथ लोग जुड़ रहे हैं और हमारी संस्था को पूरा सहयोग कर रहे हैं। कमरूनाथ सेवा दल को इस साल 8 साल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सेवा करने से उनके मन को सुकून मिलता है। मंडी डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने जनमंच कार्यक्रम की पूर्व गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को ई समाधान पोर्टल पर दर्शाई गई सभी जन समस्याओं के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर ई समाधान पोर्टल पर नजर रखें और तत्परता से लोगों की समस्या का समाधान करें। ठाकुर ने अधिकारियों को जनमंच से पहले की अवधि में संबंधित पंचायतों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने, व्यक्तिगत तौर पर उनकी समस्याएं जानने और मौके पर समाधान का प्रयास करने को कहा है। गौरतलब है कि इस बार 16 जून को सदर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटली में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटली के प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर करेंगे। सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष ने अंकुश सूद ने कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शून्य मेले हो या सोलन से जुड़ा कोई भी मुद्दा, नगर परिषद एक निजी व्यावसायिक संस्था की तरह काम कर रही है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने डीसी सोलन विनोद कुमार को पार्किंग और झूलों के माध्यम से जनता से हो रही लूट के बारे में भी अवगत कराया। अंकुश सूद ने इस मौके पर कहा कि शून्य मेला, जिसे अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर छोटा बड़ा व्यक्ति दान देने की इच्छा रखता है, वहीं इस मौके पर नगर परिषद सोलन शून्य मेले का व्यवसायीकरण कर चुकी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मेले में लगने वाले झूले, जिसकी बोली जो पहले 6 लाख रुपए तक थी, अब उसकी बोली 16 लाख रुपए पहुँच गई है, जिसका अतिरिक्त बोझ सोलन की जनता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्किंग में भी यही हाल है, जिसमें पार्किंग स्थल की बोली लाखों रुपए में जाती है, जिसकी वजह से बोलीदाता सोलन की जनता से अधिक शुल्क वसूलता है। सोलन में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक राकेश कुमार की उम्र 48 साल है और वह गांव डवाली कोटला का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में गया हुआ था, लेकिन काफी समय तक वह जब कार्यक्रम से वापिस नहीं पहुंचा तो खबर मिली कि वह घर के रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है।
उसे तुरंत अस्पताल लाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भतीजे सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके चाचा बेहोशी की हालत में गिरे पड़े हैं तो तुरंत अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि वह किस तरह गिरे और किस तरह उनकी मौत हुई है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल शव का सोलन अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है।